ओके जी, इस सेशन के अंदर हम कवर करने जा रहे हैं सेशंस। इस सेशन के अंदर सेशंस। ओके अच्छा जी, स्किप को ऑन करते हैं। अच्छा, सेशंस की हमने थ्योरी ऑलरेडी पढ़ ली है, तो आज हम प्रैक्टिकल को देखेंगे। ये इसी तरह से जैसे आप लोगों ने लोकल स्टोरेज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आपको अगर कोई भी सेशन बनाना है तो आपको क्या करना है, आप लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? इसी तरह से जैसे आप किसी वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन करते हैं, तो हमने क्या किया, सेशन स्टोरेज डॉट सेट आइटम, उसके अंदर सबसे पहले आपको आइटम की देनी है, जो भी आपका दिल करे आप यहां पे दे दें। फॉर एग्जाम्पल, आपने लिखा वन, फिर उसकी वैल्यू आप यहां पे पास कर दें। सही है? आप लिख दो स्टूडेंट वन, और यहां पे कर देते हैं मोहम्मद जेद। ओके, उसके बाद आपने क्या करना है, ये वैल्यू जाके स्टोर करनी है एक ही टेप के अंदर। अब एक टेप के अंदर जब आपकी ये वैल्यू सेव हो जाएगी, तो आप फिर इसको देखेंगे दूसरी टेप में एक्सेस हो रही है नहीं हो रही, ये भी देखना है ना हमें। तो एक काम कर लेते हैं, इसको चलाते हैं लाइव सर्वर के अंदर। अच्छा, अब ये सेट हुई है वैल्यू या नहीं, आप यहां आते इंस्पेक्ट एलिमेंट करें और एप्लीकेशंस के अंदर जाएं। यहां पे आके आपने सेशन स्टोरेज के अंदर जाना और यहां पे देखना है, तो एक वैल्यू मिल रही है स्टूडेंट वन, उसकी वैल्यू क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अब एज इट इज मैं क्या करता हूं, इसी टेब को या इसके अंदर ये जो प्रोग्राम चल रहा है कॉपी करता हूं, यहां आता हूं और फिर आके यहां पे पेस्ट करता हूं। अब आपका यही प्रोग्राम अगेन, अगर यहां पे इंस्पेक्ट एलिमेंट करके एप्लीकेशन में जाते हैं सेशन के अंदर, तो आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या है, वो प्रोग्राम फिर से यहां पे वैल्यू सेट करवा रहा है। लेकिन अगर मैं कोई और प्रोग्राम चलाता, उसके लिए जाहिर है न्यू टैब ओपन होता ना। सपोज इस तरह से यहां आते हैं, एक प्रोग्राम और बना लेते हैं, एक और प्रोग्राम .html, HTML का बेसिक सिंटैक्स। अब इसको भी मैं लाइव सर्वर के अंदर ओपन करता हूं। सही है? राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं, एप्लीकेशन में जाते हैं, और अब आप देखें सेशन के अंदर वैल्यू दिख रही है नहीं। यानी अगर आप कंप्यूटर के सेम वेब ब्राउजर पे भी खड़े हैं और दूसरी टैब में है, तो आपको सेशन की वैल्यू एक्सपायर नजर आ रही है, लेकिन यहां आओ तो वैल्यू नजर आ रही है। कौन से क्लियर हो रहा है? तो सेम टैब जिसके अंदर प्रोग्राम चल रहा है ना, उसी के अंदर जिसके थ्रू आपने क्या सेट करवाया, सेशन सेट करवाया, उसी टैब के अंदर सेशन दिखेगा, दूसरी टैब के अंदर सेशन नहीं दिखेगा। हाँ, लोकल स्टोरेज आपने करवाई थी ना, आपने लोकल स्टोरेज की जो चीजें हैं वो यहां पे अगर स्टोर करवाई होती तो यहां पे शो हो जाती। कौन से क्लियर है? सही। देखें, लोकल स्टोरेज के अंदर रखा हुआ डेटा हर टेब के अंदर नजर आता, वेब ब्राउजर के हर टेब के अंदर नजर आता है। चलें एक एक काम कर लेते हैं, एक ऑब्जेक्ट किसका, लोकल स्टोरेज का भी सेव करवा देते हैं। डेमो वैल्यू दे देते हैं टेस्टिंग। इस प्रोग्राम को एक बार चलाएंगे, वैल्यू परमानेंट सेव हो जाएगी। सही है? अब आप यहां पे आके देखो, इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, तो एप्लीकेशन के अंदर यानी सेम प्रोग्राम के सेम के अंदर ही नजर आ रही है लोकल स्टोरेज, सेशन भी नजर आ रहे होंगे, क्योंकि इसी टेब के अंदर आपने सेशन भी सेट करवाए, शो हो रहे हैं दोनों। लेकिन अब इस प्रोग्राम में आते हैं, यहां पे आपको देखें लोकल स्टोरेज यहां पे भी नजर आ रही है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्रोग्राम तो दूसरा चल रहा है ना, प्रोग्राम कौन सा, एक और प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम दूसरा चल रहा है, और यहां पे आके देखो, यहां पे सेशन के अंदर जो वैल्यू आपने सेट करवाई थी है नहीं है। तो सिंपल सी बात है बेटा, सेशन की जो हमारी क्या है, एक एक्चुअल में क्या है, लिमिट है, वो इसी टैब तक रहती है जहां पे आपने सेशन को सेव किया, दूसरे टैब में नजर नहीं आती। कॉन्सेप्ट क्लियर है?
यानी अगर मैं कहूँ एक रूम के अंदर ही वो चीज पॉसिबल है, यही होगी, दूसरे रूम में वो नहीं होगी, दैट्स इट। तो यहाँ पे ऐसा ही समझ लो, सेम घर के दो रूम है, सही है, एक रूम के अंदर आपकी ये डेटा पड़ी है, दूसरे के अंदर वो शो नहीं होती। कौन से क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब हमारे पास ये वैल्यू हमें नजर तो आ रही है इंस्पेक्ट एलिमेंट करके, लेकिन मैं चाहता हूं मुझे अगर इन्हीं आइटम्स को गेट करना है, तो सेशन को गेट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां पे आएंगे और अलर्ट के अंदर वो वैल्यू दिखा दें। अलर्ट, अब यहां लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट गेट आइटम, तो आपको सिर्फ उस सेशन का नाम देना है। नाम क्या था? स्टूडेंट वन। सेव करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो आप देखेंगे अलर्ट्स के अंदर आपको वैल्यू मिलेगी मोहम्मद जैन। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो हमने पहले सेशन को सेट किया, फिर उसको क्या किया है, गेट किया। अब अगर आप उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो रिमूव करने के दो तरीके हैं, यहां तो इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, सेशन में जाओ। ओके, तो आप यहां से आके राइट क्लिक करके भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अच्छा, अब सबसे पहले हमारे पास क्या है कि अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, राइट क्लिक करके यहां से आगे क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका क्या है कि आप कोडिंग के थ्रू भी कर सकते हैं। कोडिंग के थ्रू कैसे करेंगे, यहां आएंगे और यहां से आके आपने इस सेशन को रिमूव करना है, तो आप लिखेंगे सेशन स्टोरेज डॉट क्लियर। क्लियर फंक्शन है तो आपको ब्रैकेट लाजमी देना है, सही है। सेव किया, उसके बाद अगर आप यहां पे आगे चलाएंगे, तो पहले तो ये सेट आइटम होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो जाएगा। एप्लीकेशन ये देखें, तो आपने जो सेशन के अंदर वैल्यू सेट की थी, अब वो क्या हो चुकी है, क्लियर हो चुकी है। तो ये थे हमारे पास सेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर कुकीज पढ़ते हैं।